मुरुड बीच से निकलकर मैं जा रहा हूँ एक मंदिर, गणपति मंदिर है और उसको बोलते हैं काड्यावरचा गणपति मंदिर, काड्यावरिल श्री गणपति देवस्थान आंजड़ले। और मंदिर के दर्शन का समय है 7 से शाम के 7 बजे तक का। देखिए अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर के दर्शन के लिए। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, काफ़ी दर्शन के लोग आते हैं, मान्यता इस मंदिर की बहुत ज़्यादा। और ये लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है, 900 साल लगभग हो गए इसको। पहले ये लकड़ी का बनाया गया था 1150 ईस्वी में। उसके बाद 1768 से 1780 के बीच में इसको बनाया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया, तो काफ़ी पौराणिक है। आइए देखते हैं गणपति जी के दर्शन करते हैं। प्राचीन गणेश जी के मंदिर आते हैं आंजड़ले में, तो वहाँ से नीचे उतरना होता है आपको। और नीचे उतर के ये मान्यता है कि गणेश जी के जो है ना वो चरण पादुका या फिर आप उनके चरण हैं, एक्चुअली उनके पैर के निशान हैं, तो वो यहाँ पे है। थोड़ा सा आपको नीचे उतरना होगा, करीब 2 मिनट या 1.5 मिनट का रास्ता है, नीचे सीढ़ियाँ हैं, तो उतर के आप पहुँचते हैं। ये देखिए ऊपर से आए और यहाँ पर आएंगे जब आप, तो ये छोटा सा एक उन्होंने मंदिर बनाया है और यहाँ पर लिखा है श्री गणपति चे पाउल। और यहाँ पे है छोटे से पैर के निशान है, यहाँ तक आप दर्शन कर सकते हैं आके। और यही सीढ़ियाँ जो हैं फिर नीचे की तरफ जा रही हैं, शायद वो गांव में उतरने का रास्ता है, या फिर या वहाँ एक मंदिर और है ऊपर से दिख रहा है, ये एक मंदिर है शायद वहाँ पे जाने का रास्ता होगा। फिलहाल मैं तो वहाँ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन शायद ये सीढ़ियाँ उसी मंदिर की तरफ के लिए बनाई गई हैं। और ये नज़ारा है यहाँ से सामने जो आप देख रहे हैं उधर, वही हारने, ये देखिए ये सिंधुदुर्ग फोर्ट है और ये एरिया पूरा आंजड़ले। देखिए मछलियाँ सुखा रहे हैं लोग नमक डाल डाल के, ये पूरा मछली मछुआरों का गांव है। देखिए ये वो गांव है जहाँ से अभी आए मुरुडे, पूरा मछुआरों का गांव है। मिल भी आ गई है, ये जो आप देख रहे हैं सामने ये खेत है, thank you।
स्टाफ भी उनका काफ़ी पोलाइट है और जो लोकेशन है, एम्बियंस है, वो भी काफ़ी अच्छा है। साफ़ सुथरा कमरा था, डाइनिंग स्पेस बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा है और खाना बहुत ही टेस्टी है। बाकी आपने देख ही लिया, एम्पल स्पेस है पार्किंग के लिए। और ट्रैवल करते हैं फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो भी आप यहाँ रुक सकते हैं। और 11 बजे का चेकआउट है उनका, अभी लगभग 1 बजने वाले हैं और मैं अभी चेकआउट कर रहा हूँ, तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं बिकॉज़ मुझे थोड़ा लेट हो गया वापस आने में। और ये लोकेटेड है आपको दापोली दाबोल रोड पर, MIDC में, तो इजीली लोकेटेबल भी है। साथ में इसके हाईवे है जो दाबोल जा रहा है, तो मैं आपको इसका लिंक भी गूगल मैप लिंक भी डाल दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में, तो आप जब भी चाहें तो यहाँ आके रुक सकते हैं। फूड पे भी डिस्काउंट है 15% का, और होटल के रूम भी रिजनेबल रेट पे हैं। आपको आप बात करेंगे तो वो सही रेट्स पे आपको रूम प्रोवाइड करते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ रुकने का। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ इस होटल को, होटल वोल्गा रेसिडेंसी। और देखिए मेरे साथ हैं ऋषभ सिंह, और ये जम्मू कश्मीर से हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया फूड, और बहुत ही पोलाइटली आप जो गेस्ट के साथ जो बिहेवियर आपका है या आपके सारे स्टाफ का बहुत ही बढ़िया है। तो जो एक्सपीरियंस हमारा था यहाँ रहने का, आप लोगों ने उसको अच्छा बना दिया, बेहतर बना दिया। जी जी सर, थैंक यू सर। और कुछ आप बताना चाहेंगे अपने होटल के बारे में तो बता सकते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि अपने होटल पे आइए, वोल्गा होटल में अपना अच्छा सर्विस भी अच्छा है सर, फूड क्वालिटी भी अच्छा है, और अपना रूम का आपने देखा ही है सर, दापुली में ऐसा रूम कभी मिलेगा नहीं सर आपको। बस मैं यही चाहता हूँ कि अपने होटल में वोल्गा रेजिडेंस में वेलकम कीजिए सर। बहुत अच्छा, ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने काफ़ी अराउंड जितना मैं घूमता हूँ उसके हिसाब से काफ़ी होटल मैंने देखे हैं, जी जी और बहुत कम जगह पे ऐसी सर्विस या जी ऐसे स्टाफ जो इतने जी सर पोलाइट हों जी जी सर वो हमको देखने को मिलते जी हैं। जी तो जो फ्रेंड्स, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया जी रहा, और जी ख़ास के इन जैसे जो अगर होटल में स्टाफ हों तो बहुत ही जी अच्छा हो थैंक यू जाता सर, है। थैंक यू तो थैंक यू, अगली वेरी बार मच जब सर। भी आएंगे, जी क्योंकि जी ये मेरा फोर्थ ट्रिप है जी जी सर दापोली का, जी लेकिन जी मैं फर्स्ट टाइम यहाँ रुका हूँ। जी जी सर काजू फैक्ट्री पहले आया था लेकिन यहाँ जी रुका नहीं था, जी जी सर तो इस बार आप लोगों ने बहुत ही खास बना थैंक दिया यू सर, उसको। थैंक यू ठीक है, तो अगली बार आएंगे ज़रूर रुकेंगे, जी जी और थैंक यू आप सर लोग भी प्लीज़ अगर आते हैं दापोली तो एक बार इनको मौका दीजिए जी जी सर आपकी सर्विस का। और आप, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। जी जी सर जी थैंक यू ऋषभ थैंक जी, यू थैंक वेलकम यू। वेलकम सर वेलकम। देखिए दिन में काजू फैक्ट्री के बाहर कैसा है, इन्होंने ऐसा गार्डन एरिया बनाया हुआ है, प्लेइंग एरिया भी है सब, यही फैक्ट्री है उनकी। तो चल के आइए, हम एक बार देखें ज़रा फैक्ट्री का टूर देते हैं वो। ये देखिए, ये है अलग अलग सेक्शन हैं इनके, यहाँ पे पीलिंग होते हैं, यहाँ प्रोसेसर काजू निकल रहे हैं यहाँ से, जो पील हो रहा है। ग्रेडिंग, अलग अलग ग्रेड के काजू को शायद वो सेग्रीगेट करते होंगे यहाँ। ये देखिए, यहाँ पर अलग अलग मॉइस्चराइजिंग रूम, यहाँ पे मॉइस्चर में रख रहे हैं, हस्क क्लीनिंग। ये देखिए हस्क क्लीनिंग हो रही है, डी शेलिंग, ले लेंगे दो चार देखने के लिए, दो चार देखने के लिए ले लेंगे। ओरिजिनल ये है, ऐसा होता है काजू, और यहाँ सारा प्रोसीजर उनका हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है
देखिए ये प्रोसेस है, काजू कैसे होता है। और इसके सबसे पहला डी शेलिंग, उससे भी पहले जो होता है वो है बॉयलर। ये देखिए बॉयलर, सबसे पहले काजू को उबालते हैं। देखिए यहाँ पे स्टीम बॉयलर है जिसमें बॉयल किया जाता है। ये रॉ काजू के जो शेल है उसको बॉयल करके फिर यहाँ से आगे का प्रोसीजर शुरू होता है। ये काजू का ऊपर का छिलका है जो शेल है ये निकलता है पहले। ये इसमें पहला जो बॉक्स है इसमें पूरा पूरा काजू है, इसमें पीछे वाले दो जगह टूटे हुए काजू थे। पीछे जो है वो टूटे हुए काजू हैं, उसके आगे एकदम पूरे पूरे काजू का टुकड़ा है। और यहाँ पे सारा कुछ पैकिंग होता है, देखिए ट्रे में पैक हो रहा है, वेइंग करके पैक करते हैं। ये पूरा काजू निकालने का प्रोसीजर, बॉइलिंग से लेके और उसके पैकिंग तक का अराउंड 8 स्टेप्स में वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है और तब वो हमारे तक पहुँचता है, खाने लायक बनता है। तो ये था काजू फैक्ट्री का टूर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं हुआ क्योंकि हमको ही टूर देने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। आप खुद से घूम सकते हैं, आकर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत जो मैंने दिखाया आपको वही देखने को मिलेगा। जब स्टीम करते हैं तो उसका जो काजू के का जो एक ऑयल होता है वो बहुत ही हार्मफुल है। तो अगर आप यहाँ से इनकेस अगर आप काजू ले भी लेते हैं रॉ काजू, तो उसके उसको आप मेक श्योर कि आप उसको चबाए नहीं, नहीं तो आपके पूरे मुंह के अंदर छाले आ जाएंगे और बहुत हार्मफुल है वो। बहुत ही सावधानी से उसको यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, इसलिए अगर आप इनकेस यहाँ से कुछ लेते भी हैं, एक या दो उठा लेते हैं आप और रखने के हिसाब से, तो उसको मुंह में रख के चबाइए मत। ये था काजू फैक्ट्री का टूर आपके लिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अब काजू कैसे प्रोसेस उसका है, कैसे प्रोसीजर है और वो बाहर निकलता है, हमारे तक पहुंचता है। अभी मैं दापोली से अब निकल रहा हूँ, लगभग 1:20 हुए हैं दिन के और काफ़ी लंबा सफ़र है यहाँ से, अराउंड 8 घंटे का मुंबई का। और देखने को तो और भी काफ़ी स्पॉट्स हैं यहाँ, केव है और परशुराम जी हैं उनका स्टैचू है और हॉट स्प्रिंग है। तो एकदम जहाँ मैं हूँ जिस होटल में हूँ अभी उससे अराउंड 40 किलोमीटर्स 13 किलोमीटर्स इस तरीके से दूरी है, लेकिन मैं सबको कवर नहीं कर पा रहा हूँ इस ट्रिप में क्योंकि मुझे मुंबई पहुँचना है आज रात तक। तो आज अभी तक जो मैंने ट्रिप में जो भी कवर किया डेस्टिनेशंस या स्पॉट्स वो मैंने कोशिश की आपको दिखाने की। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए और फैमिली में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा, ये प्रॉमिस है मेरा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, स्टे सेफ़।